झारखंड सरकार में मंत्री बनने के बाद घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वे सबसे पहला कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि पर माल्यार्पण किया और वही सुधीर महतो के चित्र पर भी माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विधायक सविता महतो और उनकी बेटियां भी शामिल थी। बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनका अभिवादन कर रहे थे। इस अवसर पर रामदास सोरेन ने कहा कि हम सबसे पहले दिशों गुरु शिबू सोरेन को प्रणाम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें इतना बड़ा स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, समय कम है, काम ज्यादा है। हम पूरी ताकत के साथ लंबित कार्यों को पूरा करेंगे और समाज की जितनी सेवा हो सकती है वह अवश्य करेंगे। भैया सुनिए ना, निकलिए ना। बड़ी जिम्मेवारी मिला है प्रधान से, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है विधायक के बाद अब मंत्री बन गए, क्योंकि अब बहुत जल्द चुनाव भी होने वाला है, समय भी कम है, कैसे निभाइएगा, कितनी बड़ी चुनौती है। इसके लिए सबसे पहले मैं विषम गुरु शिबू सोरेन और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे एक झारखंड के सिपाही से लेकर के झारखंड आंदोलन में पूर्ण रूप से मैं संलिप्त रहा, और जिस कारण आज मुझे जो जिम्मेवारी दिया गया है पार्टी की ओर से, उसे मैं पूर्ण रूप से निष्ठापूर्ण रूप से, मैं कम समय तो जरूर है मिला है लेकिन उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके मैं दिखाऊंगा। जनता का उत्साह इसको हम नकार नहीं सकते, कार्यकर्ता जनता का सोच है कि आज जो भी हमारा संगठन ने निर्णय लिया या सही लिया, सही आज आपको दिखने के लिए मिल रहा है। निर्मलता हमारा पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष है, झारखंड अलग राज का नेतृत्व करता रहे और जिसका नेतृत्व पर झारखंड अलग राज को एक मंजिल पहुंचा, शायद निर्मल महतो का नेतृत्व के कारण है। इसलिए आज हम लोग झारखंड आंदोलन में जितने भी लोग जितने भी कार्यकर्ता शहीद हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको कभी उसका परिवार को कभी नहीं भूल सकता, जिसके लिए मैंने
क्रांति से ही सोच लिया कि जब से मैं जमशेदपुर घुस होगा सबसे पहले हम निर्मलदा का समाधि जाएंगे और वहाँ पर श्रद्धांजलि उसके बाद हमारे दादा मंत्री से हमारे पास कोई समीकरण हमारा पहले जो है पहले जो हमारा संगठन आज मेरे जिला अध्यक्षता में ही अध्यक्ष में ही आज चार को MLA इस जिला में है। हम मैं जिला अध्यक्ष रहा उस समय यहाँ शैलेंद्र महतो MP बने, मेरी जिला अध्यक्षता में सुनील महतो MP बने, मेरी जिला अध्यक्षता में यहाँ पर सुमन महतो MP बने और आज मेरी जिला अध्यक्षता में आज यहाँ पर चार चार MLA बनाए। मैं आज इसको लेकर के करीब चार बार मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ और एक बार हम जिला का सचिव रहे और मैं यहाँ आज ये सीढ़ी की तरह पहले पंचायत का पदा सचिव रहा, उसके बाद प्रखंड का सचिव बना, उसके बाद अनुमंडल का सचिव बना, उसके बाद जिला का सचिव बना, उसके बाद चार बार मैं जिला का अध्यक्ष बना, आज मैं विधायक और आज मैं मंत्री बना। और सबसे बड़ी बात यह है हम विषम गुरु शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि मैं एक आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ और आदिवासी समाज का मैं गांव का ग्राम प्रधान भी है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज एक ग्राम प्रधान को सम्मान देते हुए विधायक भी बनाया और मंत्री बनाया, इसके लिए हम विषम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा मुख्य क्या रखिएगा मुद्दा, चूंकि झारखंड में झारखंडियों का मुद्दा का कमी नहीं है। आज कहाँ गया 32 का खतियान, आज कहाँ गया सरना कोर्ट, कहाँ लटका हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यहाँ पर ये संतान परगना घुसपैठ हुआ, आज घुसपैठ कहाँ पर नहीं हुआ बता दे। आज एक साथ वहाँ तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्री है, बाबूलाल मांडी भी पूर्व मुख्यमंत्री है, अर्जुन मुंडा भी पूर्व मुख्यमंत्री है और अभी कल ही चंपा सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी पर शामिल हुआ है। ये लोग बताए कि आज ये लोग को नजर आ रहा है केवल संथाल परगना में घुसपैठ हुआ है, क्या धनबाद में घुसपैठ नहीं हुआ, क्या यहाँ पर बोकारो में घुसपैठ नहीं है, क्या रांची में घुसपैठ नहीं है, क्या हमारे जमशेदपुर में घुसपैठ नहीं है। अगर जमशेदपुर की मैं बात कहूँ तो जमशेदपुर में सबसे पहले 18 मोजा था, आज कहाँ गया 18 मोजा, 18 मोजा से 85 बस्ती कैसे बना, उन 85 बस्ती में कौन रह रहे हैं, क्या घुसपैठ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है, खुल करके बताए वो लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों पूर्व मुख्यमंत्री कि आज संथाल परगना को ही क्यों घुसपैठ माना जा रहा है, उसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा देने की तैयार है। दादा विपक्ष के द्वारा पार्टी तोड़ने का काम किया जा रहा है, आपको विपक्ष के द्वारा तो हमेशा पार्टी तोड़ने के लिए बात किया जा रहा है। जब से हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ही पार्टी तोड़ने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं। तीन रात लोग रात को नींद नहीं आता है कैसे हम हेमंत सोरेन सरकार को हम झारखंड से हम तोड़े, झारखंड सरकार से हम उसे हेमंत सोरेन को हटाए। चंपारण के छोड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क होने वाला नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी का पार्टी है, जिस माटी से आप गांव में बांस जुड़ देखते हैं ना, बांस एक बांस को लगाइए और बांस को लगाने की जरूरत नहीं है और अजीबन हमेशा बढ़ते जाएगा वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक जमीन रहेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा। टाइगर के रूप में एक एक कार्यकर्ता टाइगर है, एक एक कार्यकर्ता टाइगर। दादा चंपईदा के आप अभी करीबी थे, क्या चंपईदा के कभी करीबी भी थे आप, अच्छी पड़ती थी आप लोगों को, क्या आज उनकी कमी आपको महसूस हो रही है? निश्चित रूप से जब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में था हमारे सीनियर के लीडर के रूप में हम लोग मानते थे और उसका साथ काफी हम लोग आंदोलन किए, रेल जाम किए, हम लोग रोड जाम किए, माइस जाम किए और टाटा कंपनी का चारों गेट भी जाम किए, कई मजदूर का समस्या समाधान किए और कई बार हम लोग एक साथ जेल में भी गए, लेकिन आज जो पेपर में देखने के लिए मिला है कि मुझे सम्मान नहीं मिला, आज मैं दावा के साथ कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी भी माननीय अगर सांसद और विधायक या पार्टी का कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है तो सब